हेलो दोस्तों, मैं यश आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल टेक इट इजी लर्न इजी। आज के वीडियो में हम जानेंगे रिमूवेबल स्टोरेज को इंटरनल स्टोरेज कैसे सेट करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक्सटर्नल डिवाइस को एज ए इंटरनल स्टोरेज डिवाइस सेट करके रखा हुआ है। देखिए, स्टोरेज में मैंने एज ए USB ड्राइव एज ए इंटरनल स्टोरेज ड्राइव सेट करके रखा हुआ है, और जो भी मेरा इंटरनल डेटा जो है यहाँ पे USB ड्राइव में माइग्रेट करके रखा हुआ है। जितने भी एप्लीकेशन हैं एज अ प्राइमरी मेमोरी इस डिवाइस पे काम कर रहे हैं, और इंटरनल मेमोरी पे कोई लोड ना होने की वजह से ये जो सिस्टम है प्रॉपरली काम करेगा विदाउट लैग, और कोई भी लोड नहीं आता है टीवी पे फंक्शंस पे। तो दोस्तों, ये कैसे करना है इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में बताई गई हर स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, तो इसलिए इस वीडियो को विदाउट स्किप करें इसको अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको डीबगिंग ऑन करना है। डीबगिंग ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में डिवाइस प्रेफरेंस में जाना है और वहाँ पर अबाउट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर बिल्ड के ऊपर 7 बार क्लिक करना होगा ताकि डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाए, और वहाँ से आप USB डिबगिंग को ऑन कर सकते हो। 7 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेवलपर मोड विजिबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिबगिंग USB डिबगिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको नेटवर्किंग में जाना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और सेकंड ऑप्शन MTP को ऑन कर देना है। अब आपको बाकी का जो काम है आपके मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल पे करना है, तो चलिए एंड्रॉयड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ADB शेल नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको ADB शेल टाइप कर लेना है, और उस एप्लीकेशन को आपके एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद इसे आप ओपन कर लीजिए। जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। और आप यहां से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका मोबाइल और आपका टेलीविजन एक दूसरे के साथ ADB शेल के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे वो सब यहाँ पे आपके टेलीविजन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना है देखते हैं। तो मैं ये जो कमांड है मैंने स्टोर करके रखा हुआ है एक टेक्स्ट फाइल में। ये टेक्स्ट फाइल में आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, और इसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी इसको रन कर सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। हर कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपको डॉलर का सिंबल आना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ कमांड, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। डॉलर का सिंबल आ गया है, मतलब वो एग्जीक्यूट हो गया है। अभी दूसरा जो कमांड है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये भी एग्जीक्यूट हो गया है। अभी तीसरा कमांड लेते हैं, इसको भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसा करके आप सारे कमांड जो भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं एक एक करके इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। कुछ कमांड एग्जीक्यूट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट कर लीजिए। ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। अभी उसके बाद का जो कमांड है उसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं।
ये भी एग्जीक्यूट हो गए हैं। अभी जो सातवीं कमांड है उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये भी एग्जीक्यूट हो गए हैं। अभी लास्ट जो कमांड है उसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके एंड्रॉइड टीवी का एक्सटर्नल मेमोरी जो है एज ए इंटरनल मेमोरी यूज करने के लिए तैयार है। अब आपको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है, यूएसबी ड्राइव पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको माइग्रेशन नाम का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और जो इंटरनल डेटा है वो सब माइग्रेट हो जाएगा आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में। और इस तरह से आप इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी आप मर्ज कर सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो इंटरनल मेमोरी को। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।